सो हे गाइस, बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। खूब बेहतरीन तरीके से दिवाली मनाइए। और आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं पांच कूल और बेहतरीन ऐसे पोजेस जो आपकी दिवाली की फोटोज को बहुत ही बेहतरीन बना सकती है। तो उन पांच कूल पोजेस को मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग भी उस तरह के पोज दे सकते हैं और दिवाली पर खूब बढ़िया बढ़िया फोटोज क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया लाइक बटोर सकते हैं, दोस्तों से तारीफें बटोर सकते हैं उपहार स्वरूप। तो चलिए उन पोजेस को सीखते हैं कि कैसे आप लोग अपने घर पे अपने मोबाइल फोन से बिना किसी डीएसएलआर के बहुत ही बढ़िया बढ़िया फोटोज क्लिक कर सकते हैं। पोज नंबर वन की बात कर लेते हैं। सबसे क्लासिक पोज जो सब लोग आप कहीं ना कहीं इस तरह के फोटोज देखते ही रहते हैं, लाइट्स के साथ फोटोज। लाइट्स के साथ फोटोज आप क्लिक करते हैं तो उसमें बुके आता है। बुके यानी कि जब वो लाइट्स पीछे ब्लर हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही सिनेमेटिक लगती हैं देखने में, और वैसी फोटोज बहुत ही बढ़िया लगती हैं दिवाली की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आप किस किस तरीके से आप क्लिक कर सकते हैं ऐसी फोटोज। सो गाइज, एक ये मैंने लाइट ले ली है इधर, और एक ये लाइट मैंने घर पे ही बनाई थी थोड़ा सा ऐसे जुगाड़ करके, और एक ये एलईडी लाइट हो गई। तो ये तीन चीज का सेटअप मेरे पास हो गया। आप लोग चाहें तो कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ये लाइट बनाएं तभी होगा, आप लोग नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बस एक ये लाइट होनी चाहिए। अब इसको हम चलिए जला लेते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने मॉडल को बोल देना कि उसका एक लाइट का एक गुच्छा बना ले और अपने चेहरे के पास थोड़ा सा रखेंगे और चेहरा थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो फोटो बहुत ही बढ़िया आएगी। क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड को कर लेंगे ऑन, यानी कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाए जिससे, और इसको कैमरे को रखेंगे थोड़ा सा उल्टा। अगर किसी रिफ्लेक्टिव सर्फेस पर आप खींचते हैं तो फोटो और ज़्यादा अच्छी आएगी, तो उसको कर लेंगे। और फिर चेहरे के ऊपर टैप करके हम लोगों को कर लेनी है फ़ोटो को क्लिक, और फोटो देखिए हम लोगों की कितनी बेहतरीन फोटो आई है। तो फोटो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की फोटो आई थी और उसको एडिट करने के बाद फोटो कुछ इस तरह की बन चुकी थी। तो चलिए जल्दी जल्दी रफली आपको बता देते हैं कैसे इस तरह की आप एडिटिंग कर सकते हैं। चलेंगे हम अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, वहाँ पर चलेंगे स्टिकर वाले ऑप्शन में, वहाँ पर सर्च करना है हमको फेरी लाइट। फेरी लाइट सर्च करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी आपको ऐसी लाइट्स मिल जाएंगी जिसको दिवाली में लगाई जाती है। उसको यहाँ पर सिंपली लेके आना है अपनी फ़ोटो के ऊपर और उसको किनारे ऊपर जहाँ मन आपका वहाँ लगा सकते हैं। और फिर से ऐसे ही अगर आपको उस लाइट को पीछे करना है अपने, तो ऐसे इरेजर वाले ऊपर वाले ऑप्शन में जाएंगे और फिर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देंगे, अपने आप वो लाइट पीछे चली जाएगी। और इसी तरह से फिर से सर्च करेंगे दिया, और दिया लगाने के बाद यहाँ पर हम जैसे आप अपने उसको हिसाब से अपने एडजस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं उसको डुप्लीकेट करके लगा लेंगे। और सिंपली इतना हो जाने के बाद एक और पीएनजी, ये वाली पीएनजी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसे यहाँ पर लेकर आएंगे और इस तरह से लगा लेंगे। इसकी ओपेसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे हैप्पी दिवाली, और ये बस तैयार हो गई हमारी फ़ोटो। और इस चीज़ को कर लेंगे सेव। और पोज नंबर थ्री, आपको दिए के साथ फोटोज कैसे क्लिक करानी है बहुत ही बढ़िया तरीके से, चलिए वो भी बताते हैं। तो हे गाइस, दूसरे पोज के लिए आपको कुछ ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी और आपके दोस्त को भी कुछ ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो दिए ले लिए हैं, उसको एकदम ग्राउंड पे नीचे लगा लेंगे और कुछ नीचे से नीचे का एंगल लेकर हम लोगों को फोटो क्लिक करनी है। दो ही दिए मिले हैं घर से, क्योंकि घर पे बताया गया है कि फोटो खिंचाने के लिए दिए नहीं मिलेंगे, तेल बहुत महंगा हो गया है। तो दो ही दिए मिले हैं, दो ही दिए से कुछ फोटो खींचते हैं, बाकी हम एडिट करके काम चला लेंगे। तो ऐसे कुछ नीचे वाले एंगल से लेके, यानी कि कैमरा वाला पॉइंट जो है उसको नीचे करके फोटो क्लिक करेंगे, चेहरे को रखेंगे फोकस में, और फोटो देखिए कितनी बेहतरीन आती है। खींच भैया, खींचो। तो पोज नंबर फोर है लाइट पेंटिंग या लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। इससे आप बहुत ही कूल, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूनिक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। किसी भी कैमरे की जरूरत नहीं है, अभी नॉर्मल सारे फोन जितने आ रहे हैं उन सब में प्रो मोड मिल जाता है, उनमें आप ऐसे फोटोज को क्लिक कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप बहुत ही सारे डिजाइन बना सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तो कैसे आप लोग उसकी फोटोज खींच सकते हैं, यानी कि ऐसी फोटोज या ऐसा पोज कैसे देख सकते हैं, चलिए वो भी बताते हैं। सो गाइज, लाइट पेंटिंग यानी कि लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के लिए कैसे फोटो क्लिक कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि लाइट के ट्रेल्स बन जाए और बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिएटिव फोटो आप खींच सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। बस क्या करना है कि आपके मोबाइल में बस होना चाहिए प्रो मोड। प्रो मोड में आपको चाहिए शटर स्पीड। शटर स्पीड का हम लोग रखेंगे 8 सेकेंड या 10 सेकेंड या 16 सेकेंड, आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। क्या होता है कि शटर स्पीड यानी कि जो कैमरे का फ्लैश है, कितनी जल्दी यानी कि शटर बंद होता है और उसमें कितनी ज़्यादा लाइट कैप्चर होती है, उस हिसाब से इस फोटोग्राफी को हम लोग करते हैं।
तो उसके लिए हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में करने वाले हैं। उसके लिए आपको ये नाइट बहुत ज़रूरी है, और आपको कुछ चाहिए मोबाइल फ़ोन से भी आप अपने कर सकते हैं, लेज़र लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लाइट निकलती हो उससे बहुत ही बढ़िया तरीके से सिनेमैटिक और क्रिएटिव तरीके से आप अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं आपको बताते हैं। और हम लोगों के पास ट्राइपॉड था नहीं, तो आप हम लोगों का जुगाड़ देख सकते हैं। फ़ोन को स्टेडी रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, देखिए ये हमारा थोड़ा हाई बजट का ट्राइपॉड है, इसको सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खरीद लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो। ऐसे हम लोग कर सकते हैं सेट करने के बाद अब फोटो कैसे खींचनी है वो दिखाते हैं। क्या करेंगे अब हम कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही फोटो को हम लोग कैप्चर के लिए ऑन करेंगे वो 8 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसी बीच में हम लोग को क्या करना है, अपने पीछे कोई लाइट लेके ड्रॉ करनी है, कुछ भी बनाना है, वो बहुत ही अच्छा लगेगा 8 सेकंड के अंदर। फिर वहां से जल्दी जल्दी करके वहां से हट जाना है और फिर देखेंगे हमारी फोटो। तो अगर आपको ये सारे पोजेस और वीडियोस पसंद आए, यानी कि सारे पोजेस और फोटोग्राफी के टिप्स आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत कुछ अगर आपको कुछ या बहुत कुछ या थोड़ा सा भी अगर आपको सीखने को मिला है तो एक लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट मिलेगा और आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पोज सबसे अच्छा लगा, और कुछ और आइडियाज हैं इस वीडियो के बारे में, आगे के वीडियो के बारे में, तो कमेंट में कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि सब तक पहुंचे। और सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो साथ ही साथ चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा को। नहीं सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।